कार्यक्रम हमारा ऐसा है, फिलहाल अस्सलाम वालेकुम। हम हर साल आते हैं, हमारी बहुत सालों की प्रथा है और खुदा हर चीज़ का ही मौका सबको नहीं देता। हम बहुत खुशनसीब हैं जो हमें ये मौका मिला जो हमारे साल आते हैं, और ये प्रथा ऐसे ही चलती रहेगी इंशाल्लाह। और आगे जो अब चलने वाला है, अब हम लोग निकलेंगे उरस के लिए। अब हमारा निकलने का है टाइम, अब हम 2 बजे जाएंगे, फिर दरगाह जाएंगे, दर्शन करेंगे, बस सबके लिए दुआ मांगेंगे। क्या चीज़ आप ख्वाजा साहब के दरबार में पेश करना है? जो हम पेश करते चांदी का कलश, 2.5 किलो का कलश जो हम हर साल पेश करते हैं, वो भी उनकी रहमत से ही है। जो भी कुछ हम बना सना देते हैं यहाँ पर, बस ये बहुत सालों से चली हुई आती हुई प्रथा है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर सकते हम ज्यादा। हम लोग दिल्ली से हैं। आपके ग्रुप में कितने लोग रहते हैं? हमारे ग्रुप में टोटल 150-200 लोग आते ही आते हैं। वी यूज्ड टू कम एवरी ईयर टू दिस प्लेस। अभी जिस तरीके से देश में भी कोरोना के हालात चल रहे हैं, उसके ऊपर तो कुछ उसके ऊपर हमने बहुत कुछ करा था। वी हैव लाइक सर्टेन प्लान इन दिल्ली। एज यू ऑल नो, हम लोग पूजा नायक जी की तरफ से हैं, जो नजफगढ़ के अंदर जो चैरिटी फंड को ऑर्गेनाइज करती हैं, जो गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह 20-20 लड़कियों का अभी लॉकडाउन के अंदर करवाया। हम लोगों ने 80 लाख से ऊपर का राशन डिस्ट्रीब्यूट करा। ह्यूमन राइट्स की तरफ से हमें, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है उनकी तरफ से हमें अवार्ड भी मिला है अभी लास्ट ईयर ही। तो ये सब चल, मेरा नाम माही सेठी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हम सारे दिल्ली से आए हैं, पूजा नायक के चेले हैं हम लोग, दिल्ली मैरूम नगर नजफगढ़ से। हम यहाँ से कम से कम 20 साल से आते हैं। हमारे दादगुरु, जो परदाद गुरु है, उनका परंपरा है। खाजा गरीब नवाज ने हमारी हर मुरादें पूरी करी हैं, जो कुछ है इनके वजह से। कभी भी हमें किसी चीज की कमियां नहीं रखी। हमारे दुआ सुनने वाले खाजा जी हैं और भाई हिंदुस्तान के बादशाह हैं। और हम सारे 2.5 किलो के, हर साल हम 2.5 किलो के जो चांदी का घड़ा है वो हम कलश चढ़ाते हैं बाबा जी के दरबार पे, ताकि हम सबके मुरादे पूरी वो करें और बच्चों वालों के बच्चे जीते रहे। हाँ जी, हाँ जी, ये पूजा नायक जी हैं और मकसूद भाई हैं, जो हर साल हमारे साथ जो हमारा सब कुछ करते हैं, दुआ करते हैं। हम यहाँ से दिल्ली दरवाजे से होते हुए सीधे दरगाह जाते हैं। कब जाते हैं जुलूस देखने? ये 5 बजे जाते हैं यहाँ के। आपके ग्रुप में कितने लोग आते हैं? हम कम से कम 100-150 लोग आते हैं सारे दिल्ली से। ये परंपरा चली आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, ये 20-25 साल, मतलब ये तो बहुत सालों से ही जान चलते आ रहे हैं। जब से बाबा जी का दरबार बना है, तब से हिजड़े चद्दर चढ़ाते हुए आ रहे हैं। मेरा नाम काजल है और इनका नाम इशिका है, इनका नाम शोभा है, और माही, पायल, जानवी, मिन्नी, शिवानी।